नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म संवाद। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 26 अक्टूबर से 1 जनवरी तक, यानी कि लगभग 68 डेज गुरु और बुध एक साथ रहेंगे और ये संयोग आपका किस्मत चमकाएगा। गुरु और बृहस्पति की युति यानी कि पूरे करीब 68 डेज आपको क्या क्या दे सकते हैं और क्या क्या हो सकता है बृहस्पति, ये हम बतलाएंगे आपको। बृहस्पति 12 भावों में से 5 भावों का कारक होता है, 2, 5, 9, 10 और 11 भाव का, और शादी के लिए सप्तम भाव का कारक लड़कियों के लिए होता है। और बुध बुद्धि का कारक है, यादाश्त का कारक है, स्किन का कारक है। और बुध की यह खास बात होती है, जैसे जिस ग्रह के साथ रहेंगे वैसा ही फल देंगे। और यहाँ पर बुध और बृहस्पति दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन इस युति के होने से आपको इसका लाभ मिलने वाला है। अंतरिक्ष में आपकी राशि से कौन कौन से भावों में बुध बलवान होकर बैठा है और बलवान होकर फल देता है, पहले ये जानिए। 2, 4, 6, 8, 10 और 11 भाव में बुध अच्छा फल देता है। इन भावों के अंदर जब बुध आएगा तो बहुत ज़बरदस्त फल आपको प्राप्त होगा, लेकिन लग्न में अच्छा फल नहीं देगा। लग्न और राशि के अंदर बृहस्पति अच्छा फल देता है। बृहस्पति का है 2, 5, 7, 9 और 11 भाव, इन स्थानों में भी ये अच्छा फल देते हैं। इन दोनों की युति से कितने भाव में अच्छा फल मिल सकता है हम आपको बतलाएंगे। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, बुध और गुरु का यह योग आपकी कुंडली में दूसरे भाव में यानी कि धन के भाव में घर में बन रहा है। बृहस्पति धन का कारक है और मित्र के घर में बैठा हुआ है, यानी कि धन मिलेगा, भाग्योदय होगा, बुद्धि साथ देगी, पैसा आएगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, भाग्य से धन आएगा। लेकिन छठे और अष्टम का संयोग भी बन रहा है, इसलिए जो पैसा आएगा उसमें थोड़ा खर्च भी होगा और थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। खर्चे पर कंट्रोल आपको रखना है, ये विशेष कर आपको इस बात पे ध्यान देना है। लेकिन इन 68 दिनों तक दुश्मन आपके दबे रहेंगे, कर्जे समाप्त होंगे, यानी लोन वगैरह है तो वो आपके यहाँ पर क्लियर होते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आयु की वृद्धि होगी और नौकरी की प्राप्ति भी बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपको उच्च का होकर करा रहा है। दूसरे भाव में गुरु और बुध दोनों ही अच्छे फल देंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, नौकरी की प्राप्ति होगी, प्रमोशन होंगे, वाणी के क्षेत्र में आपको लाभ होगा, जैसे कि संगीत वगैरह है, सरस्वती योग भी बन रहा है, यानी कि भाग्योदय होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मेहनत से आप पैसा कमाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। ये समय बहुत अच्छा है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि से यह योग आपकी राशि में ही बन रहा है। इस समय बृहस्पति और बुध दोनों ही बलवान होकर आपकी राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान का सुख प्राप्त होगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं, धन बहुत आएगा, अपार धन का सुख प्राप्त होगा आपको, धन की वृद्धि होगी, विदेशों से लाभ होगा और साथ ही आयु में भी वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। एक पुखराज इस समय आप जरूर पहने, इस योग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। पूरे 68 दिनों तक आपको इस परिवर्तन का लाभ मिलेगा और इस समय वृश्चिक राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है, उससे बहुत बड़ी आपको इस समय राहत मिलती हुई दिख रही है, यानी कि वृश्चिक राशि वालों को बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, शनि की 7.5 का प्रभाव है, 12वें भाव में यह योग बन रहा है, 12 भाव खर्च का भाव है, गुरु और बुध अच्छा फल नहीं देते हैं, यह घर अंत का है, मोक्ष का है, यानी कि जिनका अंत समय आ गया है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। वैसे सीखने का भी समय है, किसी गूढ़ विद्या में रुचि ले सकते हैं आप, बेकार के खर्चों में कमी आएगी, धर्म कार्य में वृद्धि होगी। लेकिन शनि की 7.5 का प्रभाव है और शनि की 7.5 में खर्चे ज़्यादा होते हैं, लेकिन 12वें भाव का यह योग आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, कोई खास चिंता की ज़रूरत नहीं है, कुल मिला जुला कर यह योग ठीक रहेगा। इस समय आप बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का जप कीजिए और गणेश जी को रोज 2 दुर्वा दल अर्पित करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर मिलेंगे।